दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ हिस्टोरिकल इंडियन की तरफ से, एक प्राचीन इमारत का इतिहास लेके, साथ ही और भी बहुत सारी रोचक बातों के साथ। आइए आज जानते हैं कुतुब मीनार की हिस्ट्री के बारे में, कुतुब मीनार का इतिहास और रोचक बातें। कुतुब मीनार भारत में दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर मतलब कि 237.86 फीट और ब्यास 14.3 मीटर, ब्यास मीन्स रेडियस, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर मतलब कि 9 फीट हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। यह विश्व धरोहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यह भारत का सबसे खास और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। आइए जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार का इतिहास 800 साल पुराना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और उसके दामाद एवं उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1368 में इसे पूरा कराया। इस इमारत का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इसके निर्माण काल सन 1193 या पूर्व के हैं। दिल्ली के महरौली इलाके स्थित कुतुब मीनार मोहाली की फतह बुर्ज के बाद भारत की सबसे बड़ी मीनार के नाम में आता है। इस भव्य इमारत में पत्थरों पर बनी कुरान की आयतें कुतुब मीनार की सुंदरता और बढ़ा देती हैं। मीनार की हर मंजिल में बेहद शानदार शिल्पकारी की गई है। इस मीनार की सबसे आखिरी मंजिल से पूरे दिल्ली का शानदार और अद्भुत नजारा दिखाई देता है। मीनार का इस्तेमाल पहले मस्जिद की मीनार के रूप में किया जाता था और वहीं से अजान दी जाती थी। हालांकि बाद में यह एक पर्यटन स्थल के तौर पर मशहूर हो गया। इस मीनार के निर्माण में नागरी और अरबी लिपि के कई शिलालेखों का इस्तेमाल किया गया है। अफगानिस्तान में स्थित अजाम की मीनार से प्रेरित एवं उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण सन 1199 में आरंभ करवाया, परंतु केवल इसका आधार ही बनवा पाया। बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। कुतुब मीनार के उत्तर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में करवाया था। यह मस्जिद भारतीय उपमहाद्वीप की काफी पुरानी मस्जिद भी बताई जाती है। इस मस्जिद का निर्माण करवाने के बाद फिर इल्तुतमिश 1210-35 और अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का पुनर्निर्माण करवाया। ऐबक से तुगलक तक स्थापत्य एवं वास्तु शैली में बदलाव यहां स्पष्ट देखा जा सकता है। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों एवं फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। कुतुब मीनार पुरातन दिल्ली शहर ढिल्लिका के प्राचीन किले लाल कोट के अवशेषों पर बनी है। ढिल्लिका अंतिम हिंदू राजाओं तोमर और चौहान की राजधानी थी। इस मीनार के निर्माण उद्देश्य के बारे में कहा जाता है कि यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद से अजान देने, निरीक्षण एवं सुरक्षा करने या इस्लाम की दिल्ली पर विजय के प्रतीक के रूप में बनी। इसके नाम के विषय में भी विवाद है। कुछ पुरातत्व शास्त्रियों का मत है इसका नाम प्रथम तुर्की सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर पड़ा, वहीं कुछ यह मानते हैं कि इसका नाम बगदाद के प्रसिद्ध ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है, जो भारत में वास करने आए थे। इल्तुतमिश उनका बहुत आदर करता था, इसीलिए कुतुब मीनार को यह नाम दिया गया। इसके शिलालेख के अनुसार 1369 में कुतुब मीनार के सबसे ऊंची मंजिल पर बिजली कड़की और इससे मंजिल पूरी तरह गिर गई थी, इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने फिर कुतुब मीनार के पुनर्निर्माण का काम कराना शुरू किया और वे हर साल 2 नई मंजिल बनाते थे। 1505 में एक भूकंप की वजह से कुतुब मीनार को काफी क्षति पहुंची और बाद में सिकंदर लोदी ने ठीक किया था। 1 अगस्त 1903 को
एक और भूकंप आया और फिर से कुतुब मीनार को क्षति पहुंची, लेकिन फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने 1928 में उसको ठीक किया और साथ ही कुतुब मीनार के सबसे ऊपरी भाग पर एक गुंबद भी बनवाया। लेकिन बाद में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के कहने पर इस गुंबद को हटा दिया गया और उसे कुतुब मीनार के पूर्व में लगाया गया था। कहा जाता है कि कुतुब मीनार का आर्किटेक्चर तुर्की के आने से पहले भारत में ही बनाया गया था, लेकिन कुतुब मीनार के संबंध में इतिहास में कोई भी दस्तावेज नहीं मिलता है। लेकिन कथित तथ्यों के अनुसार इसे राजपूत मीनारों से प्रेरित होकर बनाया गया था। पारसी, अरेबिक और नागरी भाषाओं में भी हमें कुतुब मीनार के इतिहास के कुछ अंश दिखाई देते हैं। कुतुब मीनार कई ऐतिहासिक धरोहरों से घिरा हुआ है। ये ऐतिहासिक रूप से कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए हैं। इसमें दिल्ली का आयरन पिल्लर, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, अलाई मीनार, अलाउद्दीन मदरसा और इमाम जमीन टॉम्ब शामिल है और दूसरी छोटी मोटी ऐतिहासिक धरोहर शामिल है। अब आइए जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ऐसा माना जाता है कि कुतुब मीनार का प्रयोग पास बनी मस्जिद की मीनार के रूप में होता था और यहाँ से अजान दी जाती थी। दूसरी, लाल और हल्के पीले पत्थर से बनी इस इमारत पर कुरान की आयतें लिखी हैं। तीसरा, मूल रूप से कुतुब मीनार 7 मंजिल का था, लेकिन अब यह 5 मंजिल का ही रह गया है। चौथा, कुतुब मीनार परिसर में और भी कई इमारत हैं। भारत की पहली कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, अलई दरवाजा, इल्तुतमिश का मकबरा भी यहाँ बना हुआ है। पांचों, मस्जिद के पास ही 4वीं शताब्दी में बना लौह स्तंभ भी है जो पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। छठा, 5 मंजिला इस इमारत की 3 मंजिलें लाल पत्थर से एवं 2 मंजिलें संगमरमर एवं लाल पत्थर से निर्मित हैं। प्रत्येक मंजिल के आगे बालकोनी होने से भली भांति दिखाई देती है। सातवां, मीनार में देवनागरी भाषा के शिलालेख के अनुसार यह मीनार 1326 में क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने ठीक करवाया था। आठवां, इल्तुतमिश की कब्र के नीचे भी एक रहस्य है जो 1235 एडी में बनी थी और वही इल्तुतमिश की वास्तविक कब्र है। इस रहस्य को 1914 में खोजा गया था। कुतुब मीनार परिसर में स्थित अलाई मंगनी मीनार कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंची, बड़ी और विशाल है। 1316 ईसा पूर्व में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी और तभी से अलाई मीनार का काम रुका हुआ है। दसवां, कुतुब मीनार परिसर में इमाम जामिन की कब्र दूसरे मुगल शासक हुमायूं ने 1538 एडी में बनवाई थी और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में यह सबसे नई धरोहर है। 11, कुतुब मीनार के सबसे ऊपरी मंजिल पर जाना अलाउ नहीं है, 6वीं मंजिल तक आप जा सकते हैं। 12, जिस इंसान ने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स बनवाया उसी की याद में वहां धूप घड़ी भी लगवाई गई है। 13, 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी ऊपरी मंजिल को हटाकर इसमें 2 मंजिल और जुड़वा दी। इसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन व अकबर की धायमा के पुत्र अधम खां के मकबरे स्थित हैं। 14, कुतुब मीनार 120 मीटर ऊंची दुनिया के सबसे बड़ी ईंटों की मीनार है और मोहाली की फतेह बुर्ज के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीनार है। 15, कुतुब मीनार के परिसर में एक लौह स्तंभ है और इसकी खासियत यह है कि सैकड़ों वर्ष पुराना होने के बाद भी इस स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगी है। 16, वर्ष 1983 में कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। 17 और अंतिम, एक सर्वे के अनुसार कुतुब मीनार अपने आधार केंद्र की तुलना में 3.5 सेकेंड प्रति वर्ष के वार्षिक बदलाव की औसत दर से झुक रही है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारा चैनल हिस्टोरिकल इंडियन को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।